अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सारा प्रोसेस बताया था कि आप लोग जर्मनी में अप्लाई कैसे कर सकते हैं। पहले तो अगर वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देख लें ताकि आपको प्रोसेस की समझ आ जाए। दूसरी चीज़, वहाँ मैंने आपको कहा था कि वो वाली चीज़ें बताएं जो आप लोग आगे जानना चाह रहे हैं ताकि मैं उस पर डिटेल में बात करूँ। तो जो सबसे ज़्यादा मुझे कमेंट्स आए उस पर वो ये थे कि भाई स्टडी एक्सपेंसेस का क्या सीन होगा। आज हम वो डिस्कस करते हैं कि आपका खर्चा कितना आएगा। तो जब आप वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं तो वीज़ा एम्बेसी आपसे कुछ रिक्वायरमेंट्स करती हैं। उनमें से एक रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप एक ब्लॉक्ड अकाउंट खुलवाएं जर्मनी में। अब उस ब्लॉक्ड अकाउंट में आप कुछ पैसे डलवाएं, वो पैसे होते हैं 10,000 से 20,000 तक। अगर तो वो एक साल के एक्सपेंसेस मानते हैं, वो कहेंगे अराउंड 10,000 यूरो हमें जमा करवा दें ब्लॉक्ड अकाउंट जर्मनी में खुलवा के, उसकी स्टेटमेंट फिर आपने एम्बेसी वालों को दिखानी होती है। सिमिलरली अगर एम्बेसी वाले आपसे रिक्वायरमेंट करें 2 साल की, फिर आपको 20,000 यूरो जमा करवाने पड़ेंगे। अब ये रिक्वायरमेंट 1 साल की क्यों करते हैं, 2 साल की क्यों करते हैं, ये काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करता है। इस पर हम डिटेल में बाद में बात कर लेंगे, लेकिन अभी हम फोकस करते हैं कि आपका एडमिशन हो गया है, 10,000-20,000 जितने भी जमा करवाने थे वो आपने करवा लिए। अब ये सीन है कि वो 10,000-20,000 कहाँ पे जाते हैं। तो भाई वो 10-20,000 ना आपके ही होते हैं, यहाँ आके आप वो अपने बैंक अकाउंट से निकलवा सकते हो, लेकिन इकट्ठे 10-20,000 नहीं निकलवा सकते। अब ब्लॉक्ड अकाउंट, ब्लॉक्ड अकाउंट का मतलब ही यही है कि जो पैसे आपने उसमें जमा करवाए थे उसमें से कुछ अमाउंट आपकी ब्लॉक्ड होगी। ब्लॉक्ड अकाउंट की एक लिमिट होती है, लाइक 670 पर मंथ आप उससे निकाल सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं निकाल सकते। यही पर्पस होता है ब्लॉक्ड अकाउंट का। तो ठीक है, अब आपने पैसे वैसे जमा करवा दिए, ब्लॉक्ड अकाउंट भी आपका खुल गया है। अच्छा, अभी ये सीन है कि आपने पैसे रिकवर करने हैं, ठीक है। आपने 10,000 जो यूरो दिए हुए हैं मंथली, आपका 670-700 डिपेंड करता है किस लोकेशन में रह रहे हैं, आपका मंथली कुछ ना कुछ खर्चा आ रहा है। तो ये सवाल काफ़ी लोगों ने किया कि वो खर्चा हम रिकवर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो भाई कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप मास्टर्स के लिए अगर आप आते हैं तो आपको 4 सेमेस्टर होते हैं। 4 में से 2 सेमेस्टर पहले साल हो जाएंगे, 2 सेमेस्टर दूसरे साल हो जाएंगे, बीच में सेमेस्टर ब्रेक भी आएगी। अब ये सीन होता है कि 1 सेमेस्टर नॉर्मली 4 महीने का होता है। हर सेमेस्टर में आपकी वीकडेज़ में क्लासेज होती हैं, वीकेंड पर आपकी छुट्टी होती है। तो अब आपके पास जो बेस्ट टाइम होता है, जो अक्सर स्टूडेंट जो प्रेफर करते हैं कि वो वीकेंड जॉब्स कुछ ढूंढ लें, यहाँ पे जर्मन गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप हर हफ्ते 20 घंटे काम कर सकते हैं, लाइक 20 आवर्स पर वीक आप काम कर सकते हैं। तो ये अगर आप हिसाब किताब लगाएंगे तो 1 साल में 120 फुल डेज आप काम कर सकते हैं। फुल डेज का मतलब 8 घंटे, और 240 हाफ डेज काम कर सकते हैं। और अगर आपकी सेमेस्टर ब्रेक होती है तो आप 40 आवर्स पर वीक भी काम कर सकते हैं। तो सेमेस्टर जब चल रहा होगा तो 20 आवर्स पर वीक, जब सेमेस्टर ब्रेक होगी तो 40 आवर्स पर वीक। लेकिन जो मैक्सिमम है आप 120 फुल डेज से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। लेकिन ये 120 फुल डेज अगर आपने काम कर लिया तो आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। वो इस तरह कि आपकी 1 घंटे की जो एवरेज जो मिनिमम सैलरी है यहाँ पे वो 9.8 यूरोज है। तो अगर आप दिन में 8 घंटे काम करते हो तो आप खुद ही हिसाब लगा लें कि महीने में अगर आप 4 वीकेंड भी काम करोगे तो आप 500 से 600 तक बना लोगे, और आपका एवरेज खर्चा 500 से 600 तक ही होता है। अगर तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा फीस जाती है, वो वाली फीस इससे रिकवर नहीं होगी। तो जो आपका खर्चा रिकवर होगा तो वो आपके रहने सहने का, खाने पीने का और बाकी इस टाइप का खर्चा कवर होगा, लेकिन आपकी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ रहे हो तो वो वाली फीस कवर नहीं होगी। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पब्लिक यूनिवर्सिटी में यहाँ पे फीस नहीं है, तो ऑलमोस्ट अगर आप काम कर रहे हो ना तो ऑलमोस्ट आप फ्री पढ़ सकते हो। सही हो गया। अच्छा, अब ये तो हो गया कि आप काम कर सकते हो। अब काम करने के लिए यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, उनमें से 3 रिक्वायरमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उन तीनों में से अगर एक भी मिसिंग है तो आप काम के एलिजिबल नहीं होगे। तो सबसे पहले जब आप यहाँ पे आओगे तो आप एक चीज करोगे, सिटी रजिस्ट्रेशन, इसे जर्मन में अनमेल्डुंग कहते हैं। तो आप आके अनमेल्डुंग कराते हो, सिटी रजिस्टर करवाते हो, उन्हें पता लग जाता है कि हाँ बॉय यहीं है, रह रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़, जब आप सिटी रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आपको एक मिलता है सोशल फजिस्टुंग नंबर, जिसे कहते हैं सोशल सिक्योरिटी नंबर। दूसरी चीज़, जब भी आप जॉब के लिए कहीं पे जाओगे तो वो यही पूछेंगे, पहली चीज़ ये हो गया अनमेल्डुंग करवाना, दूसरी चीज़ हो गया सोशल सिक्योरिटी नंबर। एक जो तीसरी चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर हम पाकिस्तानियों को बड़ा मसला होता है यार, टैक्स देना है। लाइक पाकिस्तान में भी चल रहा है ना टैक्स देना, अब यहाँ पर आओगे ना तो आपको आदत हो जाएगी। यहाँ पर तीसरी चीज़ होती है आपका टैक्स आईडी नंबर। अगर आपके पास टैक्स आईडी नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो भी बंदा यहाँ पे काम करेगा उसे टैक्स देना पड़ेगा। स्टूडेंट होता है जो फुल टाइम जॉब कर रहे होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए जो होता है वो टैक्स बहुत कम होते हैं। काफ़ी टैक्सेज आपको एट द एंड ऑफ द ईयर वापस मिल जाते हैं, वो एक लंबी चीज़ है, उसे अभी इग्नोर करें।
लेकिन स्टूडेंट हो के भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, आप एलिजिबल हो गए हो काम करने के, अब आपके जहन में आ रहा होगा कि ठीक है यार, अब सब कुछ तो हो गया, अब जॉब हम ढूंढें कौन सी और कहाँ पे मिलेंगी। अब जॉब्स भी डिफरेंट किस्मों की यहाँ पे होती हैं। एक जॉब्स हम जिन्हें कहते हैं ऑड जॉब्स, ऑड जॉब्स में सीन होता है आप वेटर की जॉब कर लो, आप रेस्टोरेंट में जॉब कर लो, आप मैकडॉनल्ड में जॉब कर लो, KFC में कर लो, तो डिफरेंट टाइप की ऑड जॉब्स होती हैं। लेकिन मोस्टली यहाँ ऐसी जॉब्स में आपको जर्मन की रिक्वायरमेंट होती है, तो थोड़ी बहुत जर्मन अगर आपको आती हो तो बहुत आसानी हो जाती है। जो दूसरी जॉब्स होती हैं वो आपकी ये होती हैं कि आप हीवी जॉब्स कर सकते हो। यूनिवर्सिटी में आपको हीवी जॉब्स मिल सकती हैं, जो कि एज आप स्टूडेंट असिस्टेंट काम कर सकते हो, एज अ रिसर्चर काम कर सकते हो, लैब असिस्टेंट काम कर सकते हो, तो इस टाइप की जॉब्स होती हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी में कितनी ओपनिंग्स हैं, तो वो इंटायरली आपको यहाँ के सिचुएशन के हिसाब से पता लगेगा कि किस यूनिवर्सिटी में गए हो, वहाँ पे क्या जॉब ओपनिंग्स हैं और क्या सीन है। और जॉब्स भी सिटी टू सिटी वेरी करेंगी, कहीं पे बहुत ज़्यादा होंगी, जो छोटी सिटीज़ होंगे वहाँ पे बहुत कम होंगी। अब और जॉब्स कैसे ढूंढेंगे वो एक डिफरेंट टॉपिक है, उस पर हम डिटेल में बात कर लेंगे बाद में। अभी सीन ये है कि मैंने जाना है, दो नए प्रोजेक्ट आए हुए हैं जॉब पे, तो बहुत बिजी है भाई आपका, बहुत बिजी है। लेकिन जौन सी भी वीडियो आपने बनवानी है ना, तो कमेंट कर लें आप नीचे, वो मैं पढ़ूंगा, जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट आए होंगे तो अगली वीडियो पटाक से उस पर बना दूंगा, ठीक है। फिलहाल इजाज़त दें, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो काम आई होगी, अगर आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल। अल्लाह हाफिज़।